हमारी यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और कश्मीर तक जाएगी। इसको कोई शक्ति, आंधी तूफान बारिश, कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये हिंदुस्तान की सच्ची आवाज है। मैंने सोचा था कि देश में सबसे ज्यादा पोल्यूशन दिल्ली में है, पता लगा कि हैदराबाद नंबर एक नंबर पे है। और जब से यहां टीआरएस की सरकार है तो यहां पे अब देखिए सड़कों पे चले हैं मगर सड़कें कम हैं, गड्ढे ज्यादा हैं। उन्होंने तीन किसान, काले किसान वाले कानूनों की बात की, मगर जब भी लोकसभा में राज्यसभा में बिल आता है टीआरएस बीजेपी का एकदम समर्थन कर देती है। और अगर विपक्ष कोई मुद्दा उठा रहा है ध्यान बांटने के लिए, एकदम टीआरएस के लोग कोई और मुद्दा उठाना शुरू कर देते। बीजेपी और टीआरएस एक साथ काम करते हैं। ये चुनाव से पहले कामा करते हैं आपके चीफ मिनिस्टर, मगर डायरेक्ट लाइन है नरेंद्र मोदी जी के साथ। इधर फोन उठाते हैं, वहां मोदी जी फोन उठाते हैं, और फिर मोदी जी आपके चीफ मिनिस्टर को ऑर्डर देते हैं, आज ये करना है, कल वो करना है। तेलंगाना का किसान हमें कहता है कि किसान कितना भी काम कर ले, खेत में से उसको प्रॉफिट नहीं मिल सकता। तेलंगाना की सरकार और बीजेपी की सरकार किसानों की कोई मदद नहीं करती, एमएसपी नहीं दिलवाती, कर्जा माफ नहीं करती, उल्टा तीन काले कानून लाई और जो किसानों का है उसको किसानों से छीनने की कोशिश करी। प्रधानमंत्री कहते थे कि हर साल मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, हर भाषण में बोलते थे। युवाओं से बात करो, पहला सवाल मैं पूछता हूं पढ़ाई क्या की, कोई एमबीए करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई एमबीबीएस पढ़ता है, और फिर पूछो रोजगार मिला, सबके सब कहते नहीं रोजगार नहीं मिल सकता। तुमने इंजीनियरिंग डिग्री की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग की, करते क्या हो? हम तो डिलीवरी का काम करते हैं, पिज्जा डिलीवरी का काम करते हैं, स्विगी का काम करते हैं। जो हमने सपना देखा था वो सपना हमारा पूरा नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी कहते थे सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है, 400 रुपए का हो गया है, याद है आपको, 400 रुपए का हो गया। भाइयों बहनों सिलेंडर कितने का है आजकल? अब प्रधानमंत्री जी इसके बारे में क्यों नहीं बोलते? उस टाइम कहते थे पेट्रोल का दाम 65 रुपए हो गया है, आज कितना हो गया पेट्रोल का दाम? एक शब्द नहीं बोलते। तो आप लोग हिंदुस्तान के गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग, एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई, इन दोनों के बीच में आप फिस जाते हो। देश को रोजगार देता कौन है? देश को रोजगार छोटा व्यापारी, किसान, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं वो रोजगार देते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके और कोविड के समय जो इनकी मदद नहीं की, इन तीन चीजों के कारण जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, छोटे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, इन सब की रीढ़ की हड्डी बिजनेस खत्म हो गया है। इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, और ये जो हिंसा फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, इसके खिलाफ।